तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पारिवारिक एग्जाम टारगेट पर। दोस्तों काफी दिनों से क्लासें नहीं चल पा रही थी, कुछ कारण थे, जैसे मेरा भी मेडिकल एग्जाम था, मेडिकल टेस्ट था, तो मैं वहां थोड़ा व्यस्त था। और आप जान ही रहे हैं एसएससी जे का रिजल्ट आ गया, तो इसके डीवी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे। पांडे सर भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर में घर चले गए थे, मुझे भी जाना पड़ा था, इसलिए क्लासेस थोड़ी बाधित हुई। लेकिन अब आपकी सारी क्लासेस समय पर चलेगी और आप जान रहे हैं एसएससी जे नजदीक है, तो अब हम लोगों का मेन फोकस होगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। और इसके साथ ही साथ जो आपकी जीएस की क्लासेस चलती थी, तो सिकेन सर की भी आज, उनका भी आज पीसीएस का एग्जाम था, तो वो गए हैं एग्जाम देके आएंगे। उसके बाद नानटेक की भी सारी क्लासेस सेम टाइम पर सही से चलेंगी, ठीक है। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा हम लोगों का किस पे, प्रैक्टिस पे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, शियर स्ट्रेंथ, सॉइल मैकेनिक्स की शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले देखिए, सॉइल मैकेनिक्स के को मतलब शियर स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, प्रिंसिपल स्ट्रेस, शियर प्रिंसिपल, शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन, इन सब चीजों की बात करेंगे जो की जनरल चीजें हैं, इसमें शियर स्ट्रेंथ को ज्ञात करने में काम आती है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई सॉइल का पार्ट है, सॉइल का टुकड़ा है, ये किस प्रकार से है, इसका क्रॉस सेक्शन हमने आपको दिखाया है, बाकी ये मतलब लंबाई में काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका, मान लीजिए इस पर क्या है, एक स्ट्रेस लगा हुआ है ऊपर से, जिसको हम नाम देते हैं क्या, सिग्मा वन, और एक साइड से स्ट्रेस लगा है सिग्मा टू। अब देखिए ये स्ट्रेस लगा हुआ है तो क्या एक पॉइंट लोड नहीं है, एक पॉइंट लोड नहीं है, एक स्ट्रेस है, और स्ट्रेस किसी एक बिंदु पर नहीं लगता है, स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, एक फेज पर लगता है, फेस पर लगता है, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि सिग्मा टू है तो केवल यही इसी पॉइंट पर लग रहा है, ये पूरे फेस पर लगता है, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए, आसान बनाने के लिए इसको दिखाते हैं कि बस एक पॉइंट पर लगा है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे लिए स्ट्रेस है। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे, मान लीजिए इसी मतलब जो टुकड़ा है इस पे हमको ये क्या ले लेते हैं, एक फेस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से अगर कट कर दें, तो ये वाला जो फेस होगा हमारा अंदर, इसको कट करने, ये ऊपर चला जाएगा नीचे, ये वाला जो फेस होगा इस पे हम एनालिसिस करेंगे कि वहां पर क्या होगा, दो चीजें आएंगी, नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा क्या आएगा, शियर स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस वही होता है, जैसे अब ये मान लीजिए मार्कर है, मार्कर में आप शियर स्ट्रेस तब लगाएंगे तो ये मार्कर क्या होगा, कटने की टेंडेंसी रखेगी, यानी कि अगर एक बार यहाँ से और यहाँ से पकड़कर एक हाथ से नीचे फोर्स, एक हाथ से ऊपर फोर्स लगाते हैं, और ये अगर यहाँ से क्या होता है, कट जाता है, तो क्या होता है, उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, शियर स्ट्रेस के कारण कटेगा। तो शियर स्ट्रेस कहाँ लगता है, फेस के पैरेलल में लगता है, यानी कि ये हमारा फेस हो गया, तो जो हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, शियर स्ट्रेस, इसको टाउ से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। बाकी नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल जैसे नाम से ही कंफर्म है कि नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, यानी कि नॉर्मली लगेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से लगेगा, इसको हम मान लीजिए क्या नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इसको सिग्मा यहाँ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है फेस के परपेंडिकुलर लगता है, जबकि शियर स्ट्रेस क्या होगा, फेस के पैरेलल लगेगा, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, कम समय है, तो बस हम जो जो जरूरी चीजें हैं उनको आपको बताते चलेंगे। देखिए सिग्मा वन है, सिग्मा टू है, इसके आधार पर हमें क्या निकालना है, सिग्मा एन और टाउ निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला बताएं, तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, सिग्मा एन लिखा जाता है सिग्मा वन और सिग्मा टू के टर्म में, वो कुछ इस प्रकार से होता है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस में सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, इसके साथ क्या जुड़ा होता है, cos 2 थीटा जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सिग्मा यंग का फार्मूला। लेकिन अगर हम टाउ देखें, टाउ का मान कितना आएगा, तो टाउ का मान जो हमारा होता है वो क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इंटू, यहाँ पर cos 2 थीटा था, यहाँ पर साइन 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होगा इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारी जनरल मतलब जनरल इक्वेशन हो गई किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस की और शियर स्ट्रेस की। लेकिन इसमें तीन कंडीशन बनती है और तीनों कंडीशन के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जिसमें पहली कंडीशन हमारी क्या होती है,
पहली कंडीशन होगी, मान लीजिए फेस पे हमने यहाँ पर दोनों तरफ से स्ट्रेस लगाया सिग्मा वन और सिग्मा टू। अच्छा, इस कंडीशन में क्या था, सिग्मा वन जो होता है ग्रेटर देन सिग्मा टू होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या होती है, जब हमारा केवल फोर्स स्ट्रेस जो लग रहा है ये अगर सिग्मा टू ना लग के केवल सिग्मा वन लगा हो, ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, केवल सिग्मा वन लग रहा, उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी कि स्ट्रेस जो होगी हमारी क्या होगी, यूनी डायरेक्शनल होगी, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेस कंडीशन में। तो यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेस जब लगेगा उसमें क्या होगा, सिग्मा टू हमारा जीरो हो जाएगा। तो आप इसमें जहां जहां पर सिग्मा टू है उसको जीरो कर दीजिए। अब मान लीजिए सिग्मा एन की का इक्वेशन लिखेंगे, सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल जब हमारा सिग्मा वन लग रहा हो तो यहाँ पर सिग्मा टू है ये जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा, सिग्मा वन बाय टू बचेगा यहाँ से, और प्लस में क्या बचेगा, यहाँ से भी सिग्मा टू जीरो हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस जीरो बराबर सिग्मा वन, ये हो जाएगा सिग्मा वन बाय टू कॉस टू थीटा। लेकिन जनरली आप इस फॉर्म में नहीं पाते हैं यूनिडायरेक्शनल की इक्वेशन। अगर यहां से हम क्या करें, सिग्मा वन बाय टू कॉमन ले लें तो सिग्मा वन बाय टू कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कॉस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टू थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर प्लस वन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिग्मा वन बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा। यही इक्वेशन आप पढ़ते हैं यूनि डायरेक्शनल के केस में, तो इसको याद रखिएगा, इस चीज को आप इस फार्मूले को इस इक्वेशन को याद रखेंगे तो यहां से आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सिग्मा एन के लिए इक्वेशन, सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस जब हमारा स्ट्रेस जो लगा हो केवल एक डायरेक्शन में लगा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वन बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार से हम क्या शियर स्ट्रेस भी निकाल लेते हैं, शियर स्ट्रेस निकालने का क्या फार्मूला है, शियर स्ट्रेस यहाँ से हम सिग्मा टू को जीरो कर देंगे तो ये क्या बचेगा, माइनस यहाँ पर है मान लीजिए जो भी हो, अगर हम वैल्यू के रूप में रखें तो सिग्मा वन बाय टू साइन टू थीटा, ठीक है, सिग्मा वन बाय टू साइन टू थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस का मान हो जाएगा। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, जब हमारा स्ट्रेस क्या लगा हो, यूनिडायरेक्शनल लगा हो। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन हमारी आती है जब हमारा स्ट्रेस जो है वो दोनों डायरेक्शन में लगा हो, यानी कि बोथ डायरेक्शन में जब हमारा स्ट्रेस लगा हो, ठीक है, इसको डायरेक्शन है समझ लीजिएगा। तो देखिए बोथ डायरेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये वाली हमारी कंडीशन हो जाती है, इसमें सिग्मा वन और सिग्मा टू हमने लिया था, तो ये वाली जनरल जो कंडीशन है वो बोथ डायरेक्शन में इक्वेशन जब मतलब स्ट्रेस लगा हो तो उसके लिए होती है। अब हम बात करते हैं जब स्ट्रेस तो लगा हो, ये क्या हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस है, इसके साथ ही साथ जब इसके फ्रंट फेस पर क्या लगा हो, शियर स्ट्रेस भी लगा हो, यानी कि सिग्मा वन सिग्मा टू के साथ हमारा क्या हो लगा हो, शियर स्ट्रेस भी लगा हो, तो शियर स्ट्रेस को हम किससे दिखाएंगे, ताऊ एक्स वाई से दिखाएंगे, और उसी प्रकार से इधर भी लगा रहेगा। तो ये हमारा ताऊ एक्स वाई हो गया, मान लीजिए शियर स्ट्रेस। तो इस कंडीशन में जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा वो कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब इसमें क्या, बोथ डायरेक्शनल स्ट्रेस प्लस शियर स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस। इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस कंडीशन जो हमारी इक्वेशन आएगी नॉर्मल स्ट्रेस की, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लस टाउ एक्स वाई, अब यहां पर कॉस टू थीटा है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, साइन टू थीटा, मतलब जहां प्रकाश है उसके बाद हम साइन लगा देंगे। उसी प्रकार से शियर स्ट्रेस की जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इतना है माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू बाई टू साइन टू थीटा है, तो यहाँ पर हमने ऐड किया था टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, टाउ एक्स वाई यहाँ पर साइन टू थीटा है, तो इसके बाद वाला जो आएगा कॉस टू थीटा, इसके साथ हम कॉस टू थीटा यूज कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर माइनस है, अगर हम माइनस को बाहर ले आए तो देखिए होगा क्या, अगर इसको हम बाहर ले आते हैं, यहां से मान लीजिए इसको पोस्टर लगा देते हैं, तो अगर हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस निकालेंगे
तो देखिए क्या हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू है, अगर सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन कर देते हैं हमें एक माइनस एक बाहर की तरफ मिल जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन बाई टू साइन टू थीटा। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ठीक है। तो ये वाली हमारी इक्वेशन मिल जाएगी, थोड़ा सा छोटा लिखे हैं समझ लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये हमारी तीन कंडीशन होती हैं इसमें जब हम स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल कंडीशन हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, बोथ डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेस लगे होगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तीसरी कंडीशन है जब हमारा मतलब दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेस तो लगा है, साथ ही साथ क्या लगा है शियर स्ट्रेस भी लगा है, तो उस समय हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का मान क्या होगा। अभी तक देखिए हमने जितनी भी बातें की, अभी यहां तक हमारा क्या हो, केवल नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की बात हमने किया है, इसमें अभी कहीं भी प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात हमने नहीं किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म इसमें आता है जिसको जानते हैं किस नाम से, मोर सर्किल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मोर सर्किल क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कहां से, ये एनालिटिकल मेथड था, एनालिटिकल मेथड से हम लोगों ने देखा। अब हम ड्रा करते हैं मोर सर्किल और इसको ग्राफिकल मेथड ही बोलते हैं। तो मोर सर्किल हम किस प्रकार से ड्रा करते हैं, देखिए हमारे पास तीन मेन प्रिंसिपल स्ट्रेस आती हैं, कौन कौन सी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेकिन हम इंटरमीडिएट को जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम केवल दो प्रिंसिपल स्ट्रेस को लेकर चलते हैं, मेजर और माइनर। तो अगर मान लीजिए हमारा सिग्मा वन जो हो गया वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाए, सिग्मा टू जो है वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है। अभी बस आप नाम सुनिए इसका, आगे बताएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। तो मान लीजिए अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से मान लीजिए हमारी जो पहली इक्वेशन है स्ट्रेस की, स्ट्रेस का पहला कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा वन कामा जीरो है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है सिग्मा टू कामा जीरो है। सिग्मा वन यहाँ पर जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा, थोड़ा सा ऊपर लिख दिए, सिग्मा वन जो है ग्रेटर देन सिग्मा टू है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करेंगे, तो किस प्रकार से आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला कोऑर्डिनेट जो हमारा क्या है, सिग्मा वन कामा जीरो, ये हमारा जीरो कामा जीरो है। अब हमारा एक्स डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, सिग्मा वन, तो एक्स डायरेक्शन में हमको सिग्मा वन डिस्टेंस चलना है, मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए, और वाई डायरेक्शन में कितना जाना, जीरो जाना है, यानी कि यही वाला पॉइंट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा वन कामा जीरो का हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है क्या, सिग्मा टू कामा जीरो है, तो सिग्मा टू जो है सिग्मा वन से छोटा है, इसलिए ये जो होगा इसके यहाँ के मतलब ओरिजिन के नजदीक ही होगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। तो मान लीजिए सिग्मा टू यहाँ पर आ रहा है और कामा जीरो है, यानी वाई डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा सिग्मा टू कामा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हमने क्या दिखा दिया, एक्स एक्सिस पर हमने नॉर्मल स्ट्रेस को दिखा दिया, बाकी अब हम वाई एक्सिस पर क्या दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर हम शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ को दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए जब हमारा मतलब स्ट्रेस सिग्मा टू यानी कि माइनर स्ट्रेस के बराबर होता है, तो उस समय शियर स्ट्रेस का मान कितना होता है, जीरो होता है, इसको आप याद रखिएगा, बाकी मैं आपको बताऊंगा क्यों जीरो होता है। और उसी प्रकार से जब यहाँ पर होता है तो भी जीरो होता है, लेकिन इसके बीच में जब हमारा कोई भी स्ट्रेस होता है वहां पर शियर स्ट्रेस का कुछ ना कुछ मान होता है, तो उसके आधार पर हम मतलब किसी हर पॉइंट पे हम मतलब प्रिंसिपल इसका नॉर्मल स्ट्रेस का मान रख कर जब हम शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो वो जो हमारे पॉइंट प्राप्त होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो एक सर्किल का पॉइंट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक सर्किल बन जाता है इसके किसके बीच में, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में। तो इसको कुछ हम इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं ये एक सर्किल का रूप ले लिया। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पर हमने दिखाया है किसको, नॉर्मल स्ट्रेस को या प्रिंसिपल स्ट्रेस को, जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस का ही एक स्पेशल रूप है, ठीक है।
और वाई डायरेक्शन में हमने क्या दिखाया, शियर स्ट्रेस को। अब देखिए मान लीजिए यहां पर हमने कोई पॉइंट लिया पी, पी पर क्या होगा हमारा एक्स डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, मान लीजिए वो सिग्मा है, ठीक है। और जो वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट होगा वो वाई डायरेक्शन हमने क्या लिया था, शियर स्ट्रेस को लिया था, तो वहां पर मान लीजिए टाऊ है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ ओरिजिन से सिग्मा डिस्टेंस देखते हैं, यानी कि इसके नीचे इतना दूर चलते हैं सिग्मा, तो हमें जो y डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट मिलेगा यानी कि शियर स्ट्रेस वो कितना हो जाएगा, वो टाउ के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर शियर मतलब सिग्मा था, सिग्मा हमने x डायरेक्शन में दिखा दिया, आगे टाउ है, टाउ क्या y डायरेक्शन में है, तो हम इसको यहाँ से दिखाएंगे तो ये टाउ के बराबर हो जाएगा। मतलब जब हम x डायरेक्शन में सिग्मा दूरी चलते हैं तो हमें y डायरेक्शन में क्या मिलता है, टाउ दूरी पर उतना स्ट्रेस मिलता है, इतने बराबर स्ट्रेस मिलता है जब हम यहाँ पर इतना दूर चलते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा और टाऊ को मतलब हर पॉइंट पर निकाल निकाल के हम उसका पॉइंट ड्रा करते हैं, उसी को मिलाते हैं, हमें सर्किल का फॉर्म प्राप्त होता है। अब देखिए हमने जो अभी आपको बताया था, ये वाला जो हमने सवाल का वो लिया था, टुकड़ा लिया था, उसमें देखिए ये हमने प्लेन लिया था, और प्लेन में हमें एक चीज आपको बताना भूल गए थे, वो जो एंगल होता था थीटा, थीटा इसको अल्फा से डिनोट किए थे हम, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल था ये अल्फा था। यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप हम मान लीजिए जो प्लेन लिए थे वो अगर इस प्रकार से लिए होते तो वहां पर जो हम एंगल लेते वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल से एंगल को अल्फा लेते, तो उसी एंगल को हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। देखिए ये मान लीजिए पी था ना, ये पी था, तो अगर हम यहां से पी के लिए यहां पर अल्फा मतलब एंगल लिए थे तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू अल्फा के बराबर एंगल लिया जाएगा। मतलब ये ऐसा क्यों लिया जाता है, देखिए मान लीजिए यहां से हम एंगल ले रहे हैं, अब इसको प्लेन को अगर हम घुमाते जाएं कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, उसके बाद और घुमाएंगे तो ये प्लेन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अल्फा का मान मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम होगा जब हमारा प्लेन इस प्रकार से होगा तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो डिग्री अल्फा का मान होगा, लेकिन जब यही हमारा प्लेन पलटते कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम हमारा जो आएगा 180 डिग्री आएगा, यानी कि यहाँ पर अल्फा का मान जीरो से 180 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा अल्फा का मान कितना हो सकता है, यहाँ पर हमारा अल्फा का मान यहाँ से हम मतलब नापना शुरू करेंगे तो ये घूमते 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 कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 360 डिग्री तक हो सकता है। अब हमको 180 डिग्री और 360 डिग्री तक में दिखाना है, इसीलिए जब हम यहाँ पर अल्फा कोण मापते हैं तो उसको हम यहाँ 2 अल्फा के बराबर कोण माप के लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें दुगुना एंगल लिया जाता है, अगर यहाँ पर कोई एंगल अल्फा है तो यहाँ पर हम 2 अल्फा लिखते हैं। तो इसको आप आशा करते हैं समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2 अल्फा क्यों लिखा जाता है और यहाँ पर अल्फा क्यों लिखा जाता है। लेकिन देखिए अब इसमें हम चलते हैं, ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, अब जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी होगी मतलब सर्किल की इक्वेशन पढ़ी है तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी इसमें, मैं आपको बस बता रहा हूँ। देखिए इसमें आपको रेडियस निकालने का फार्मूला बताया जाता है, रेडियस निकालने का फार्मूला पूछा जाता है, रेडियस आर का मान क्या होगा। अगर आप एनालिटिकल मेथड से जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा आर का मान निकालने में, आपको सब इक्वेशन कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन इससे हम आपको आसानी से निकालना बताएंगे। अगर आपको रेडियस पूछ लिया जाए, रेडियस का मान कितना होगा, सिग्मा और सिग्मा टू का मान देके रेडियस पूछ लेता है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए रेडियस क्या होती है, रेडियस यही ना होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी इस सर्किल में वही तो रेडियस होगी। अब ये रेडियस कैसे निकालेंगे आप, देखिए रेडियस अगर ये आपको निकालना है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस आपको पता होती तो उसका आधा कर देते आपको मिल जाती, क्योंकि ये मतलब एक क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, व्यास का आधा रेडियस होता है, तो व्यास में 2 से आप भाग देते तो आपको रेडियस मिल जाती, लेकिन यहाँ पर आपको व्यास नहीं पता है। व्यास कैसे हम पता करेंगे, देखिए यहाँ से हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है क्या है, ये सिग्मा वन है, सिग्मा वन स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक था, तो ये हमको पता चल गया क्या, सिग्मा वन यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना है, उसके लिए हमें क्या पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना है मतलब पता है, और उसमें से अगर हम इतनी दूरी घटा देते हैं तो हमको ये वाली दूरी पता चल जाएगी। और इतनी दूरी है कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी, किसके बराबर है, सिग्मा
टू के बराबर है, यानी कि सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अगर हम कर देते हैं तो हमको क्या पता चल गया, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू मतलब ये वाली डिस्टेंस हमको मिल गई। अब ये वाली डिस्टेंस मिल गई, रेडियस इसकी आधी होती है, इसमें अगर हम दो से भाग दे देते हैं तो हमको रेडियस मिल जाएगी। तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रेडियस जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कर देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है जो हमारा ये सेंटर है, ये सेंटर का इक्वेशन पूछ लेता है हमसे, मतलब सेंटर ऑफ कर्व, सेंटर को अगर हम ओ से दिखाएं तो सेंटर की इक्वेशन क्या होगी, उसका फार्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए हमको ये वाली डिस्टेंस तो पता है कितनी है, ये वाली डिस्टेंस यानी कि रेडियस, रेडियस इतनी है हमको पता चल गया। अब हमको सेंटर पता करना है, सेंटर का मान कहां से निकाला जाता है, हमेशा ओरिजिन से निकाला जाता है, ओरिजिन से कितनी दूर पर सेंटर है वही तो निकालेंगे ना। अब देखिए अब हमको यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करनी है, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी पता है, ये हमारा सिग्मा टू डिस्टेंस है, बाकी ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं हमको सेंटर ऑफ सेंटर के मतलब डिस्टेंस पता चल जाएगी ना, तो ये कितना सिग्मा टू है, सिग्मा टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे उसके बाद हमको मिल जाएगा सेंटर का फार्मूला। अब इसको क्या लिख सकते हैं, टू सिग्मा टू बाई टू प्लस सिग्मा वन बाई टू माइनस सिग्मा टू बाई टू। तो देखिए यहाँ टू सिग्मा टू बाई टू है और यहाँ माइनस सिग्मा टू बाई टू है, तो दो में से एक घटाएंगे हमारे पास क्या बचेगा, एक तो बचेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा वन बाई टू प्लस सिग्मा टू बाई टू, यानी कि जो हमारा सेंटर यानी कि ओ की जो इक्वेशन हो जाएगी, सेंटर की जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो रेडियस की इक्वेशन थी क्या थी, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, और जो सेंटर की इक्वेशन है वो क्या है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू, यानी कि यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे मतलब एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसकी रेडियस क्या होगी, या सिग्मा वन सिग्मा टू का मान दिया रहेगा तो उसका मान पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, बाकी यदि आपको मतलब ये तो सेंटर की मतलब डिस्टेंस हो गई, अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछता है तो कोऑर्डिनेट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पता है, बाकी y डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो सेंटर की जो कोऑर्डिनेट हो जाएगी क्या हो जाएगी, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू कामा जीरो, ये इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये किस कंडीशन में है, ये हमारा बोथ डायरेक्शन में जब हमारा स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों अवेलेबल है उस कंडीशन में है। लेकिन अगर यहीं पर क्या होता, केवल यूनिडायरेक्शनल कंडीशन होती, केवल एक दिशा में हमारा स्ट्रेस लग रहा होता, उस हमारा हमारा स्ट्रेस और रेडियस का मान क्या होता, देखिए मतलब सेंटर और रेडियस का मान कितना होता, तो यहाँ पर सिग्मा टू हमारा जो होता वो जीरो हो जाता, तो सिग्मा टू जीरो कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिग्मा वन बाई टू, यही तो बचेगा। और उसी प्रकार से सेंटर का मान भी क्या हो जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू है, यहाँ से सिग्मा टू जीरो करेंगे तो बचेगा क्या, सिग्मा वन बाई टू। तो यहाँ से आप देख रहे हैं रेडियस और सेंटर दोनों का मान बराबर होगा सिग्मा वन बाई टू। अब वो किस कंडीशन में होता, देखिए जब हमारा सिग्मा टू जीरो हो जाता तो ये वाली डिस्टेंस जो होती हमारी जीरो हो जाती, यानी कि वाई एक्सिस जो होती हमारी यहाँ से जाती, ठीक है। जब यहाँ से वाई एक्सिस जाती थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सिग्मा वन थी, और रेडियस हमको निकालना सिग्मा वन बाई टू कर देंगे, रेडियस हमारी मिल जाएगी। उसी प्रकार से सेंटर भी निकालना है तो यहीं से यहीं तक तो सेंटर भी है, मतलब रेडियस के बराबर दूरी पर सेंटर है तो हमारा सिग्मा वन बाई टू हो जाता। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इस टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जिसकी लोग हमेशा बात करते हैं वो क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है, नॉर्मल सी परिभाषा होती है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला टर्म क्या आता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की का जो डेफिनेशन होता है वो जनरली आप अगर साधारण भाषा में बोलिए तो आप कह सकते हैं कोई भी मतलब प्लेन है, मान लीजिए ये वाला प्लेन हमने काट लिया है, इस प्लेन पर मतलब ये इसमें कितने प्लेन काटे जाते हैं, इसमें अनंत प्लेन काटे जाते हैं। मान लीजिए एक प्लेन ये काट लिए, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, ऐसे ऐसे आप कितने भी प्लेन इसमें काट सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला प्लेन हम चूज करेंगे जिसपे हमारा क्या होगा, केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस आए, शियर स्ट्रेस का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाए, ठीक
केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस हो, उसमें शियर स्ट्रेस का मान जीरो हो, यानी कि वो प्लेन जिस पर हमारे क्या हो शियर स्ट्रेस का मान जीरो हो, केवल नॉर्मल स्ट्रेस हो, वो वाला प्लेन क्या कहलाएगा, वो वाला प्लेन जो हमारा होगा वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। ठीक है, वो प्लेन मान लीजिए यहाँ पर हम ये वाला प्लेन ले लेते हैं, इस पर हमारा शियर स्ट्रेस का मान जीरो है, केवल नॉर्मल स्ट्रेस इस पे आ रहा है, तो यही प्लेन हमारा जो कहलाएगा ये प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। ठीक है, और इस प्रिंसिपल प्लेन पर जिस पर शियर स्ट्रेस का मान जीरो है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वही नॉर्मल स्ट्रेस हमारी क्या कहलाएगी, वही नॉर्मल स्ट्रेस हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अ प्लेन रेयर शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो, टाउ का मान जीरो हो, दैट मतलब एट दैट प्लेन, एट दैट प्लेन वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, इसको सिग्मा यहां से दिखाते हैं, वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो आसान सी परिभाषा है, आप दे लेंगे और कोई अगर पूछेगा आपसे तो आप बता भी लेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात। अब इसके बाद दूसरी चीज जो आती है, दूसरी चीज क्या आती है, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। अच्छा, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको और देखते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस को। अब देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस तो हो गया, लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेस में हमने आपको बताया था कि इसमें तीन प्रकार के प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं, पहला मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दूसरा इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस और तीसरा क्या होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये किसके आधार पर होते हैं, वैल्यू के आधार पर। हमें तीन प्लेन मिलते हैं जिसपे शियर स्ट्रेस का मान जीरो होता है, तो उन तीनों प्लेनों में से जिस शियर मतलब जिस प्लेन पर हमें नॉर्मल स्ट्रेस का मान मैक्सिमम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, या मेजर मतलब उस प्लेन पर जो स्ट्रेस प्राप्त होता है उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। इसके बाद जो मतलब उससे कम वाला जो स्ट्रेस होता है उसको हम इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, तथा सबसे कम वैल्यू वाला जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस की। अब देखिए जहां पर हमारा शियर स्ट्रेस का मान जीरो था उस प्लेन पर जो हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिल रहा था उसको हम क्या नाम दे रहे थे, प्रिंसिपल स्ट्रेस नाम दे रहे थे। सेम चीज यहां भी है, यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस है तो यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस का मान जीरो होना चाहिए। तो वो प्लेन जिस पर हमारा क्या नॉर्मल स्ट्रेस का मान तो जीरो है, केवल और केवल उसमें क्या आ रहा है, केवल और केवल शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है, तो उस प्लेन को उस मतलब उस प्लेन पर जो हमारा शियर स्ट्रेस प्राप्त होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। बस इतनी सी कहानी थी इसकी। तो आज के लिए आशा करते हैं इतना काफी है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको मतलब शियर स्ट्रेस की सारी टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं, आप पढ़ते रहिए, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी तथा सारी चीजें आपकी कंप्लीट की जाएगी, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।